मैसूर में हमेशा हर साल जब दशहरा आता है तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है मुख्तलिफ प्रोग्राम से पेश करता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी आज ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दिव्य दरोगा जी यहाँ पे आज विशेष डिपार्टमेंट की जानिब से जो पेश मिला है वो लोगों को एक तवज्जा का मरकज बना हुआ है। हमें यह जानकर बेहद खुशी हुई कि आप यहाँ पे हैं इस जिम्मेदार बनकर, इसके बारे में थोड़ा बताइए एक्चुअली क्या है। एक्चुअली हमें जो है फिशरीज डिपार्टमेंट वाले ने इन्वाइट किया था जी, इससे पहले जो जू गार्डन में जो एक्वेरियम आने वाला है जी वहाँ पे हमारा एक प्रेजेंटेशन था जी, कंपनीज क्वालिफाई हुए थे तो उसमें हमारा डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट जो है उसको अप्रूव किया गया जी। तो उसमें जो मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने पर्सनली इन्वाइट करे, बोले कि हमें हर साल जो है मत्स्य मेला करते हैं जो किसानों को जो है फिशेज फार्मिंग के लिए एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट के स्कीम्स बताते हैं सब करते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार जो है मैसूर दशहरा मत्स्य मेला में कुछ यूनिक किया जाए जी, तो आप कुछ हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो देन हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया और ये सारा एक्वेरियम जो है दैट इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द क्योंकि और मैसूर ही नहीं कर्नाटका स्टेट और मैसूर मुस्तफापुरम में जो है पहली बार ऐसा हुआ है। हमने जो है ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया है जहाँ पे भी अगर एग्जीबिशन होता है मत्स्य मेला या किसी भी और तरीके का तो वहाँ पे इस टनल को शिफ्ट किया जाए। अच्छा ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट किया क्योंकि जनरली टनल को जो है शिफ्ट किया नहीं जाता, इट इज़ अ परमानेंट और मेंटेनेंस उसका पूरा रहता है, लेकिन भाई दो ऐसे चैलेंजिंग और इससे ज़्यादा हमें चैलेंजिंग जॉब इसलिए लगा क्योंकि हमें सिर्फ 20 दिन दिए गए और 20 दिन के अंदर अंदर ये सब हमें मैसूर का होते हुए
यूनिकल्स और ये दशहरा एग्जीबिशन के लिए भी मंसूर किया गया तो यहाँ से वो शिफ्ट होते हैं हाँ वहाँ पे क्योंकि दशहरा एग्जीबिशन के लिए जो है ज़्यादातर क्राउड पुलिंग रहेगा अट्रैक्टिव रहेगा और ये दशहरा एग्जीबिशन के लिए जो है एक नया और थोड़े से गवर्नमेंट के फॉर्मेलिटीज अभी बाकी हैं इंशाल्लाह करती है शुरू के बाद वहाँ पे शुरू किया जाए तो जैसे कि हमें मालूम हो आज फ्राइडे सैटरडे और संडे ये सिर्फ तीन दिन के लिए तो मंडे आप कर्नाटक एग्जीबिशन में मंडे में हम लोग फिलहाल मंडे नहीं इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये नया नया है तो इसको थोड़ा सा अभी काम बाकी है इसको पूरा मुकम्मल करने के लिए बस आपकी दिक्कत की वजह से जो है जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया बिल्कुल तो इंशाल्लाह एक एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए यहाँ पे कितने टाइप्स के अपने 160 स्पीसीज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस सर यहाँ से मलेशिया बैंकॉक और बॉम्बे कलकत्ता और चेन्नई हर जगह से जो है उनके इंडिविजुअल से वन ऑफ द रेयर वराइटीज ऑफ फिशेस हम देख सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल 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 अलहमदिल्ला और बहुत का जो रिस्पॉन्स भी जो है वो पॉजिटिव रहा है जैसे ही किसी जो है उसमें जैसे हार्डवेयर स्टेज पे आता है तो ये जो है ये अक्रेलिक का बनाना बहुत आसान है कम्प्लीटली अक्रेलिक को किसी भी शेप में किसी भी एक सिंगल पीस में बनाया जा सकता है लेकिन हमें सबसे बड़ा ध्यान है इसका कि हमारे उसको जो है ग्लास का बनाना चाहते हैं जी कलर बनाना चाहते हैं इसको जो है ये ग्लास 100% डबल ग्लास है पेंट किया जाता है पूरा कम्प्लीट पेंट किया गया और उसको ये चार और इसको दो पोर्शन में हमने किया गया है एक जो है मकर पोर्शन और एक जो इसका मैं समझता हूँ कि कॉमेडी जनरली एग्जीबिशंस में नॉर्मल तरह के फिशेस पाए जाते हैं जैसे गोल्ड कपी ए वो जूते सर रखते हैं लेकिन हमने जो है स्पेशल वराइटीज ऑफ फिश जो आम लोगों को जो है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलते उस तरीके के फिशेस होते हैं एक्चुअली कपीस जो है हमने फीडिंग के लिए लाए अच्छा अच्छा ये कपीस को ये बड़े स्टिंग्रेज है उनको खाने के लिए रखा तो इसीलिए हमने डिपार्टमेंट को पहले ही बताया था कि भाई हम लोग रखने वाले जो बात बात में कपीस को देख के आप लोगों को क्वालिटी ऑफ क्वालिटी कोई आते हैं कोई ऐसा करते हैं
जी जी ओके जी मराइन वाटर के लिए जी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है एग्जीबिशन जी जी दैट इज द रीजन दो वी टुक अप दिस चैलेंज हालांकि वेरी लिटिल वैरायटीज ऑफ फिश बिकॉज इसको जो है प्रॉपर फिल्ट्रेशन सिस्टम चाहिए जो हम एग्जीबिशन लॉन्च में सब प्रोवाइड नहीं कर सकते और मैसूर जो है सेम जो आप इसका जो बड़ा साइज भाई हमने रखा है क्योंकि बच्चे जो है फिश मतलब उनको जो है एक दिमाग में रियल इम्पोर्टेंट है। मेरा एक सवाल है, आपने भी देखा होगा आपका रिलेटेड फिशरीज में है सर, मुल्क में या बाहर भी कई मछलियों को पेट पे अलावा नाम आता है जी, तो उनको उसका मतलब उसका प्राइस ही अलग होता है, ये क्या बात है अलग खराब होता है क्या ये कुछ ऐसा आपके साथ जीता पंगा है? बिल्कुल, हमने जब सिंगापुर गए थे जी तो बेसिकली फ्लावर ऑन जो फिश है जी जी फ्लावर ऑन से जी अल्लाह का नाम अल्लाह जी नॉट तो एक वहाँ के बड़े हमें जो है हर तरीके से हमें बिल्कुल सर मौजूद है जी, वही समस्त है बिल्कुल वही सच है जी, बिल्कुल ये भी एक वैरायटी है कुछ जी 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 ये हील की वैरायटी में ही आता है जी जी, ये नॉर्मल कोई बात है जो ऑन फिश बोलता है जी जी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली ब्रीड नहीं मिलता जी, सो सो ब्यूटीफुल इन कलर वांटेड टू ब्रीड नंबर बिल्कुल मैसूर में आता है भाई, एक एक बिल्कुल हेक्टर एक चीज़ लाई है तुमने सर, अल्लाह से दुआ है कि आप इसी तरह और खिदमत करते रहे, और जो कि आपका फील्ड है जिसको और काम करें यही मैसूर वाले चैनल। हमारा जो मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है जी जी, ये हम जो है रिटेल में नहीं है जी, हमारा कोई दुकान नहीं है जहाँ पर हम आपको एम बेस्ट है जी, लेकिन हम जो है वी वांट टू शो टू द पीपल दैट इवन फॉर द इंटरनेशनल वर्ल्ड ये भाई इंडियंस में इतनी काबिलियत है जी जी, ये हम जो है बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में जो है ऐसा कोई आगे बढ़ के आया नहीं है और बड़े से बड़ा जी एक्वेरियम आ रहा है, बट पहली बार शुरू में जो है जी वो पैमाने पे एक्वेरियम आ रहा है, अल्लाह का बहुत बड़ा मरम है कि हम जो है शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, अगर अल्लाह ने अगर चाहा तो उसमें भी हम काम अच्छा देंगे और बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगे, और हमारा जो है नेक्स्ट आंध्रा से बहुत सारे प्रदेश हमारे चंदा प्रभु नायडू साहब जो हैं जो बहुत ज़्यादा टूरिज्म को जो है ये प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ से थोड़े कंसल्टेंट्स आए हुए थे जी देखने के लिए, और आफ्टर सीइंग दिस दे हैव इनवाइटेड अस टू पार्टिसिपेट इन द सर्विस बट टू अल्हम्दुलिल्लाह सर, सोशल क्लास के लिए कुछ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ करते हैं जी, तो हमारा बहुत बड़ा करम है, हमारा जो मदरसा है राजेंद्र नगर में जी नाम सर हमारा मशहूर है जी अच्छा सर, और मेरा बेटा भी वहीं का कर रहे हैं, हम दुआ करें बन जाए इंशाल्लाह, तो वहाँ से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ पर ज़रूरत है जी 100 बच्चे से ज़्यादा वहाँ पे जो है बच्चे आदि बिल्कुल हासिल कर रहे हैं, तो चैलेंजेस जी ज़्यादा
आज ही यहां पे फिशरीज डिपार्टमेंट मुख्यालय से फिश मेला का इनका किया गया है। यहां पे तकरीबन 200 के करीब यहां पे मुख्तलिफ किस्म के मछलियां दस्तयाब हैं, क्योंकि आम बात में ये भी है कि अगर कोई इंसान अपने घर में एक फिश एक्वेरियम रखता है, अगर उसे ब्लड प्रेशर होता है या कोई और बीमारी होती है तो वो कल्बी सुकून मिलता है, ये बुजुर्गों का कहना है। तो अलहमदिल्ला यहाँ पे जो आपने देखा अलहमदिल्ला उसकी तफसीलत भी हमने जानी और इनकी अकायद भी जाने उनके अजायब भी जाने, और व्यूअर्स को हम ये भी बता दें कि इस तरह का टनल जो आपने देखा वो अलहमदिल्ला हमारे सारे मुल्क में मुनफरद है, और आने वाले दिनों में जू जो कर्नाटक का माना हुआ एक जू है वहाँ पर भी ये तरजीब देने वाले हैं। हमारी नेक कमान है इनके साथ है। इसी के साथ मैं सदर खैसर आसिम साहब कौशल मिश्रा जी बोला आदाब।